तो पिछले एपिसोड में हमने लाचुंग को एक्सप्लोर किया था और आज हम जा रहे हैं सिक्किम के कैपिटल सिटी गैंगटॉक में। तो आज का सबसे पहला स्टॉपओवर है नागा वाटरफॉल। दिस इज द मोस्ट फेमस एंड प्रोबेबली द बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम से गैंगटॉक आते वक्त इस वाटरफॉल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो बनता ही है, क्योंकि बिना ऐसे खूबसूरत पिट स्टॉप्स पे रुके हुए कौन सा रोड ट्रिप होता है। कभी कभी इन झरनों को बहते हुए देखना अच्छा लगता है। इतनी मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं पर कभी रुकते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं। हर रुकावट के ऊपर से होके गुजर जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं अपने मंजिल की ओर। नेचर को करीब से देखो तो लाइफ के लिए ये काफी कुछ सिखा जाते हैं। फिर मन में कभी ना हार मानने की एक जिद जाग उठती है। लगता है जैसे अंत में जीत तो अपनी ही होगी। नागा वाटरफॉल के बाद हम जा रहे हैं एक और वाटरफॉल देखने, द सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ये वाटरफॉल गैंगटॉक के एकदम नजदीक है। जो लोग मेरे तरह फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए ये जगह एक मस्ट विजिट स्टॉप है। The awe-inspiring view of this waterfall makes it a tourist favorite point to relax and rejuvenate. And then we reach Gangtok. ये उधर का बहुत ही ज्यादा फेमस रोप वे पॉइंट है, जो कि देवराली बाजार से ताशीलिंग सेक्रेटेरिएट को कनेक्ट करता है। And it offers a mesmerizing view of the mountains and the city. After having a fun ride in the ropeway, we decided to have our lunch in a nearby restaurant. काफी टाइम बाद कुछ मसालेदार खाने को मिल रहा था, बिकॉज नॉर्थ सिक्किम में खाने का ऑप्शन तो बहुत ही लिमिटेड होता है। लंच के बाद वी केम टू दिस ब्यूटिफुल मोनास्ट्री ऑफ गैंगटॉक और मौका मिला इन गोल्डन प्रेयर व्हील्स को घुमाने का। कहते हैं इससे आपके सारे विशेस फुलफिल हो जाते हैं। This is a gold-topped stupa built by Tibetan Buddhists in 1945. The stupa is surrounded by 108 mani lakor, or popularly known as the prayer wheels. तो
अभी हम आ गए हैं अपने होटल में चेक इन करने। प्रॉपर्टी का नाम है द क्राउन इन और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएंगे। As you enter the room, you get two queen size beds. Here's the TV. इधर दिया है चाय का सामान. And as you come this side, you get a big cupboard. बहुत ही बड़ा सा कबर्ड है. Just beside the cupboard, you get a full size mirror. अच्छा, ये हमको वेलकम के टाइम पे बनाया गया है यहाँ पे. एंड ओके, दिस साइड हियर इट इज द वॉशरूम. वॉशरूम चेक कर लेते हैं. एंटर करते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक मिरर. हेलो, एंड हियर यू हैव द वॉश बेसिन. There's a glass door and inside you have the shower cubicle and again yahan pe you have the shower gel, shampoo, body lotion. Yahan pe diya hai towels. So yeah, that's pretty much is the room. होटल में अपना लगेज रखा एंड देन वी हेडेड फॉर सम शॉपिंग. दिस इज अ वेरी फेमस MG मार्ग ऑफ गैंगटॉक. आई ऑलवेज मेक श्योर कि जिस भी जगह में मैं जाऊं उस जगह का मार्केट जरूर एक्सप्लोर करूं. ब्रांडेड कपड़े तो हम हमेशा पहनते हैं, लेकिन हिल स्टेशंस के लोकल मेड विंटर क्लोथ्स की एक अलग ही फैन फॉलोइंग होती है. तो बस कुछ कलरफुल जैकेट्स खरीदना तो बनता ही था. रात को होटल में आके थोड़ा बहुत काम निपटाया एंड अगले दिन के शूट के लिए मेमोरी कार्ड्स को खाली किया. द नेक्स्ट डे वी वेंट टू बाबा मंदिर जो कि गैंगटॉक से 50 किलोमीटर की दूरी पर है. 13,000 फीट के ऊपर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बनाया गया है. यूजुअली इस टेंपल को जाते वक्त आप चांगू लेक और नाथुला पास भी कवर कर सकते हो, पर मौसम खराब होने की वजह से हमें तो रास्ते में लेक दिखा ही नहीं. तो ये है बाबा मंदिर. बाबा हरभजन सिंह जो कि पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे, अपनी ड्यूटी करते वक्त फिसल कर एक झरने में बह गए थे. उन्होंने कुछ दिन बाद अपने एक दोस्त के सपने में आके इधर एक मंदिर बनाने का अनुरोध किया और तब से दिस प्लेस इज रिगार्डेड एज अ पिलग्रिमेज फॉर विजिटर्स. ऐसा सुना गया है कि बाबा पास के चाइनीज बॉर्डर में रोज रात को राउंड्स लगाते हैं और आर्मी का मानना है कि बाबा ही उन्हें गार्ड और प्रोटेक्ट करते हैं. तो यही खत्म होता है हमारा गैंगटॉक का सफर. अगले हफ्ते मुलाकात होगी पेलिंग से. एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो. बाय बाय.